की जो जिंदगी चल रही है वो कंट्रोवर्सी पे चल रही है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये एक ऐसी औरत है जो मीडिया के पीछे भागती है, मीडिया इनके पीछे नहीं भागती। सही पकड़े हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लवली पांडे व्लॉग्स, जिसमें व्लॉग्स कम और रोस्टिंग ज्यादा है। भगवान, आज हम बात करने वाले हैं इस दुनिया की सबसे चहेती, अलबेली एंड अनोखी राखी सावंत के बारे में। इस टाइम पे जो लव वार चल रहा है वो है राखी सावंत और आदिल के बीच में, जो पहले पति पत्नी थे। नहीं, मैं नहीं मानता। तो देखो, अक्सर लोग बॉलीवुड में अपना करियर बनाने आते हैं, बट ये जो औरत है ये अपना नाम बनाने। अच्छा बात नहीं है। ये एक ऐसी औरत है जो मीडिया के पीछे भागती है, मीडिया इनके पीछे नहीं भागती। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ये पति चूज करने में बार बार धोखा खाती जा। रुक, कहां से आते हैं? अब ये बेचारी की शिकार हो चुकी। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। इनका जो करियर है, इनका जो मेन काम है वो है कंट्रोवर्सी करना। इनकी जो जिंदगी चल रही है वो कंट्रोवर्सी पे चल रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। राखी सावंत जब बिग बॉस से निकली तो उन्हें हो गया प्यार आदिल से। चल झूठा। राखी सावंत जी को इतना प्यार हो गया था, इतना प्यार में डूब के मर चुकी थी कि ये अपना मजहब भी चेंज कर लिया था। ये हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। अरे मैं लड़की चले गई। देखो यार, तुम किसी भी मजहब में हो, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, तुम किसी भी टेम्पल में जा रहे हो, मस्जिद में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो वहाँ जाके भगवान की पूजा अर्चन करें, ना कि वहाँ पे जाके इसने मेरी कंट्रोल जिंदगी में वो कर दिया इसने। तो राखी सावंत जी मस्जिद पहुंची और उनकी ये दुखड़ा आओ सुनते हैं। जिंदगी तुम्हारी बर्बाद नहीं हुई, जिंदगी उसकी बर्बाद कर दी तुम। बहन, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि तुम खुद अपने साथ न्याय गजब बेइज्जती है, नहीं करना चाहती। राखी सावंत ने 3 शादियां करी, अच्छा। और जो राखी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल उसके जैसे हैं, इंटेलिजेंट। कितनी मेहनत से जिंदगी बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ओए ओए, ठहर जा, क्यों नहीं हो रहा है मेरे से? लगता है तू राखी की सपोर्टर नहीं है। आई एम सॉरी बाबू। जैसे दुनिया की 8वीं अजूबी ये है, वैसे इसके साथ रहने वाले लोग भी दुनिया के 9वें अजूबी। किसी का हम नया लुक देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, बट राखी सावंत एक ऐसी शख्स है जिसकी नया रूप देख के डर लगता है। सॉरी। झुंड में तो सूअर आते हैं। राखी अकेला लगा ना, डर लगा ना, गजब बेइज्जती है। कभी भी बेचारी का रूप धरना कर बेचारी का एक्टिंग सीखना है तो वो राखी सावंत जी से सीख। झुंड में तो सूअर आते हैं, राखी अकेला आती है, शेरनी अकेले आती है। ये बाल जो है वो शेरनी के नहीं, भेड़ियों के लग रहे। फैशन कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी नहीं, गरीब है। आई लव यू जाना। कोई तरीका है भीख मांगने का? राखी सावंत जी, प्यार जो होता है वो गरीबी अमीरी से थोड़ी स्टार्ट होता है। तो पूछे, जो तेरा कार्ड है क्या इंटरनेशनली चलता है? यार एक बार बताओ, समझ नहीं आता इतना वेल्ले लोग आते कहाँ से हैं। सबसे बड़ी भूल जिंदगी की, सबसे बड़ी भूल, दैट आई बिलीव्ड राखी की वो नहीं। यार ये तो ठीक है, बट यार ये बंदा बहुत स्लो डाउन। लेकिन एक सेकंड ना, ये इंटरव्यू सुनते सुनते यार आज एविडेंस दिखा रहे हो, ये पहले ही एविडेंस जुटा के बैठ जाती ना राखी सावंत की। ऊपर जो बंदा 3 शादियां कर रखा है उस, बस हवा निकल गई। बंदे को भी इतना बिलीव करके प्यार में पड़ना, दैट इज योर फॉल्ट। आई वुड लाइक टू शेयर, आप चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये प्रॉपर नोटरी, शादी होने के बाद का सर्टिफिकेट। एक तो मैंने ट्रस्ट किया बिकॉज मेरी बीवी है,
दूसरा, जब हमारी शादी हो रही थी अंधेरी कोर्ट में, रजिस्ट्रार के सामने भी राखी ने लिखा था स्टेटस में सिंगल। ये फेरे राखी के जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप, एग्रेसिव होने की क्या बात, जान दे देंगे इसके लिए। ये दुनिया की एक ऐसी बंदी है जिसका खुद का पर्सनल लाइफ और कैमरे का लाइफ दोनों सेम होता है, कैमरे के सामने कुछ भी कर सकती है। सही पकड़े हैं। अरे आदिल भाई का मूड हो गया डांस करने का, देखो ना। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। तुम्हें पता है वो राखी सावंत है, तुम्हें इतना भरोसा करने की जरूरत क्या है? गजब बेइज्जती है। मक्का मदीना जा सकता है और मैं गर्व से कहती हूँ कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ जी, मैं बदल चुकी हूँ। जैसा कहते हैं ना कि उम्र। ओ ठहरो ठहरो ठहरो, इसकी बातों मत आओ। इस औरत का ये ड्रामा है, दो दिन के लिए ये सराफत का, बिल्कुल संस्कारियों का ये चोला पहन के बैठ जाती। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, उसके बाद ये भूल जाती है। अभी 10 दिन रुको, 10 दिन बाद इसका जो उमराह करके आई है, गुमराह होके आई है, ये देख लेना 10 दिन। बताओ यार, मजहब चेंज कर लिया शादी के चक्कर में, वो शादी टूट गई, मजहब रह गया। वाह, अच्छा बात नहीं है। वाह वाह वाह। देखो यार, सिंपल सी बात है, जब तुमने शादी की ही रिस्पेक्ट नहीं की, तुम मजहब का क्या रिस्पेक्ट करो? ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो खुदा का अभी मुझ पर आशीर्वाद है, मुझे ऐसा लगा था कि आदिल जेल से छूटने के बाद मुझसे माफी मांगेंगे, मीडिया में माफी मांगेंगे, तो मैं उन्हें अपना लूंगी जो गंदगी में। ऐसा हम कहते हैं ना, कुछ लोगों का जो दिमाग है वो घुटनों में चला जाता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? तुम 6 महीने किसी को जेल में डालोगे, किसी के ऊपर आरोप लगाओगे, और वो बंदा जेल में से निकल के तुमसे माफी मांग के और तुम्हारे चरणों में गिर जाएगा। भगवान जी, हाउ इट पॉसिबल? कितनी ज्यादा आप मतलब मासूम हो, मासूमियत की हद कर दी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अकॉर्डिंग टू राखी सावंत, इन्होंने अपना जो वेशभूषा है वो बदल चुकी है और ये बिल्कुल मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुकी है, बट आफ्टर 10 या 15 डेज बाद देखना ये अपने उसी हॉट लुक में आज कंट्रोल कंट्रोल जाएंगी। और सबसे ज्यादा ये अपने पतियों को बेवकूफ बनाती है। तो चलो यार, आदिल का एक इंटरव्यू देख लेते हैं जिसमें वो कैसे रोना रो रहा राखी के लिए। भाई स्टार्ट करो। ये राखी जैसी औरतें जो होती है ना, इनसे बात भी करना बहुत डेंजरस हो जाता है। एक टैबलेट ऐसी दी थी मुझे राखी, राखी है लिटरली ड्रग्ड मी। राखी ने मेरे साथ वीडियो कॉल पे मेरा एक न्यूड वीडियो शूट किया था व्हेन आई वाज इन मैसूर एंड शी वाज इन बॉम्बे। पॉइंट टू बी नोटेड, राखी ने रितेश को डाइवोर्स नहीं दिया, ओके, एंड शी गॉट मैरिड टू। ओ माय गॉड, इतना बड़ा एक्सपोज, गजब बेइज्जती है। इट्स नॉट अ बिग थिंग्स फॉर राखी। और इस दुनिया में सिर्फ एक हमदर्द है राखी का, वो है सरलीन चोपड़ा। यस, इनकी प्यारी बहन, बेस्ट फ्रेंड, लाइफ लाइन, एवरीथिंग इज सरलीन चोपड़ा। हाँ जी, ये बिल्कुल राखी सावंत की तरह ही। यही नहीं, अभी और सुनिए, सरलीन चोपड़ा है वो राखी सावंत से भी ज्यादा नौटंकी बाज है। सही पकड़े हैं। हर कोई चाहता है पैसा कमाए और जिंदगी में तरक्की करें, बस ये बंद, बट ये जो एक ऐसी इंसान है इस दुनिया की जो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम और कंट्रोवर्सी कमाना चाहती है, पैसा रहे ना रहे, वो तो हस्बैंड और बॉयफ्रेंड आएंगे। चल, जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। देखो यार, प्यार बिल्कुल बिस्किट की तरह करो, उतना ही डूबो जितना कि बच पाओ, इतना चाय में मत डूब जाओ कि बिल्कुल मर जाओ। सो नाउ माय वीडियो इज ओवर, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।